हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वीकली स्किन केयर रूटीन। यहाँ पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश करना। तो यहाँ पर मेरे पास हिमालया का फेस वॉश है, ये मिनी पैक है, और इसको अच्छे से मसाज करते हुए हमें अपने पूरे फेस को क्लीन करना है। वीकली डीप क्लीनिंग हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना हमारे स्किन पे पिंपल्स, एक्ने एंड ये सब होने लगते हैं, स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इस टाइम पे मैंने काफ़ी टाइम से अपना स्किन केयर नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरे फेस पे पिंपल भी हो रहे हैं, बहुत स्किन डल हो रही है। तो यहाँ पे हमारा फेस वॉश हो चुका है, और फेस वॉश करने के बाद हम अपने फेस को करेंगे फेस स्क्रब। तो स्क्रबिंग के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे बायोटिक का 10 रिमूवर स्क्रब ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा स्क्रब है ये, थोड़ी सी अमाउंट में ही पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो इसको हमें लेना है पूरे फेस पे एंड सर्कुलर मोशन में इसको ब्लेंड अप्लाई करना है, मसाज करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मेरे फेस पे इस टाइम पे पिंपल भी हो रहे थे, तो मैं इसे हल्के हाथों से रब करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पार्टिकल वैसे हैं जो फेस पे बहुत ज़्यादा चुभते हैं, इसलिए इसको लाइट हैंड से ही अपने फेस पे मसाज करनी है, और नोज़ के अराउंड अच्छे से करनी है क्योंकि नोज़ के अराउंड ही एंड अपर लिप्स की साइड और चिन एरिया पे ही ज़्यादा मतलब डेड स्किन हो जाती है। सो इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है, और इसके बाद हमें अपना फेस को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और ये जो मेरा स्किन केयर रूटीन है ये मैं हफ्ते में एक दिन करती हूँ, तो ये मेरा फिक्स डे है, मैं संडे को ही अपना स्किन केयर करती हूँ, और क्योंकि संडे को मुझे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं रहता, फ्री रहती हूँ, तो मैं संडे का दिन ही मुझे अच्छा लगता है करने के लिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरा DIY फेस पैक है जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। सो इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी, सो आप उसको देख लेना कैसे है वो, और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके 1-2 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पूरे फेस पे लगा लूँगी, और इसको अच्छे से लगाने के बाद पूरे फेस पे 20 से 25 मिनट ड्राई होने में लगती हैं इसको, और बहुत ही अच्छा मतलब कि ठंडा ठंडा सा इफेक्ट आता है आपके पूरे फेस पे। अगर आपके पिंपल्स हैं तो उसको भी काफ़ी हद तक ही ठीक कर देगा, और स्किन तो लाइटनिंग होती ही है। सो इसको मैं रखूँगी अपने पूरे फेस पे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फेस पैक, एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट टू फेस ड्राई हो चुका है। और इसके बाद मैं अपने पूरे फेस को वॉश कर लूँगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फेस वॉश हो चुका है, और इसको मैं अपने कॉटन के कपड़े से मैं इसको पोंछ लूँगी क्योंकि मैं टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर कामा आयुर्वेदिक का। रोज़ वाटर मुझे कामा आयुर्वेदिक का ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे ले रही हूँ मैं लैक्मे की पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र क्रीम, पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी मैं, और मॉइस्चराइज़ करने के बाद उसके बाद हमें लेना है सनस्क्रीन। यस, तो मैंने ली है न्यूट्रोजेना की ये सनस्क्रीन, काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी मतलब एकदम मेट लुक दे देती है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है ये क्रीम। और इसी के साथ हमारा स्किन केयर कम्प्लीट होता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ लिप बाम, और यहाँ पे मेरा स्किन केयर फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।